हेलो स्टूडेंट एक्सरसाइज थ्री का लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तक कंप्लीट कर लिए थे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री से स्टार्ट करेंगे सॉरी से क्वेश्चन नंबर थर्टीन है सम ऑफ पी क्यू एंड आर टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर ए बी दैट अब देखो यहाँ पे पी क्यू आर टर्म का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ए बी सी अब हम लोग को प्रूफ करना है कि इनको इन तीनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा जीरो के इक्वल आएगा इसमें क्या करेंगे पहले हम लोग पी टर्म लेते हैं ठीक है इसमें हम लोग एस एन फॉर्मूला सम ऑफ प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे क्या है एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी इस फार्मूला में फर्स्ट क्या है पी टर्म है तो पी टर्म में एन के प्लेस में क्या लिखेंगे पी पी अपॉन टू टू ए प्लस पी माइनस वन डी इसमें क्या बोला किसके इक्वल है पी टर्म ए के क्यू टर्म बी एंड आर टर्म इज सी अब इस सी को लेकर के हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं पी है पी को ट्रांसफर किए तो डिवाइड में चला गया ठीक है मल्टीप्लाई में था डिवाइड में गया तो ये क्या बन गया इक्वेशन वन सेम इसी टाइप से क्यू टर्म लिए क्यू को ट्रांसफर किए डिवाइड में गया इक्वेशन टू ठीक है आर टर्म आर पॉइंट टू ये इसी फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन तीनों इक्वेशन बनेंगे ठीक है आर अपॉन टू टू ए प्लस एन के प्लस में फिजिकल के आर माइनस वन डी आर को ट्रांसफर किए डिवाइड में ये इक्वेशन अब क्या करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड का दिया हुआ है ना इसको लेंगे ठीक है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन को लिख करके अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड का साइड इक्वेशन क्या है ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू अब क्या करेंगे यहाँ पे जो इक्वेशन बनाए ए अपॉन पी क्यू अपॉन बी अपॉन क्यू सी अपॉन आर इन तीनों इक्वेशन का वैल्यू हम लोग uh, वैल्यू क्या है प्लस पी माइनस वन डी क्यू माइनस आर अब बी प्लस सॉरी बी अपॉन क्यू के वैल्यू, वैल्यू पुट किए वन बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर क्या है वन अपॉन टू सी अपॉन आर क्या है वन अपॉन टू टू ए प्लस आर माइनस वन डी पी क्यू पी माइनस क्यू ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं वन अपॉन टू एंड टू ए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा टू ए अपॉन टू ठीक है ब्रैकेट में ये तीनों क्या है मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके साथ देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्यू माइनस आर नेक्स्ट में फिर से यही करते हैं ठीक है पहले वन बाय टू वाले को मल्टीप्लाई करें वन बाय टू इंटू टू ए इंटू आर माइनस पी ठीक है वन बाय टू टू ए इंटू पी माइनस क्यू कंप्लीट हो गया अब नेक्स्ट में क्या करते हैं पी माइनस वन एंड डी को मल्टीप्लाई करते हैं वन बाय टू पी माइनस टू ए के साथ कंप्लीट था अब सेकेंड टर्म के साथ करते हैं वन बाय टू पी माइनस वन डी इंटू पे लिखे नेक्स्ट में फिर से क्या हो गया वन बाई टू इंटू क्यू माइनस वन डी आर माइनस पी हो गया ठीक है यहाँ पे अब देखो वन बाई टू टू ए के साथ हो चुका था अब ये बचा है आर माइनस वन डी क्यू माइनस सॉरी पी माइनस क्यू ठीक है अच्छा यहाँ पे डी है डी भी यहाँ पे लिखेंगे डी कंप्लीट हो गया मल्टीप्लाइकेशन अब क्या करेंगे कॉमन कॉमन लेंगे ठीक है ग्रुप ग्रुप बनाएंगे और कॉमन लेंगे देखो ये टू टू कैंसिल हो गया ये टू टू कैंसिल हो गया अब देखो इसमें कॉमन क्या है इन पूरे में कॉमन क्या है ए तो ए को कॉमन लेंगे ए कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग क्या होगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू ठीक है ये रिमेनिंग हो गया अब इसमें हम लोग कॉमन क्या लेंगे वन बाय टू एंड डी सब में वन बाय टू एंड डी ये क्या है कॉमन है तो कॉमन इसको वन बाय टू क्यू लेते हैं तो रिमाइनिंग क्या होगा पी माइनस वन क्यू माइनस आर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यूमन लेकर लिखिए अब जो सॉल्व सोल्व कर लेते हैं ठीक है क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो रहा है माइनस आर प्लस आर कैंसल पी प्लस प्लस पी कैंसिल ए इंटू जीरो हो गया वन बाय टू डी अब इसको सॉल्व करते हैं पी क्यू यहाँ पे भी पी क्यू है पी क्यू पी क्यू कैंसल पी आर एंड पी आर कैंसल क्यू एंड क्यू कैंसल आर आर कैंसल क्यू आर क्यू आर कैंसिल अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच रहा है अच्छा पीपी भी कैंसिल तो रिमेनिंग कुछ भी नहीं तो क्या है जीरो वन बाय टू डी इंटू जीरो जीरो के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है जीरो और जीरो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के तो बस इजी है इस टाइप से इसको हम लोग को प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर थर्टीन कंप्लीट हो गया अब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखते हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ थ्री अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर एस वन एस टू एस थ्री रिस्पेक्टिवली अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं टर्म कर uh, सम ऑफ एन टर्म एन टर्म के थ्री अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है एस वन एस टू एंड एस थ्री इफ फर्स्ट टर्म इज वन फर्स्ट टर्म क्या है तीनों प्रोग्रेसन के लिए फर्स्ट टर्म क्या है वन है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है वन टू थ्री ठीक है यानी कि एस वन का कॉमन डिफरेंस क्या है वन एस टू के लिए कॉमन डिफरेंस टू एंड एस थ्री के लिए कॉमन डिफरेंस क्या है थ्री हम लोग ये प्रूफ करना है कि एस वन और एस थ्री तीनों को, को एड करेंगे तो टू इंटू एस टू के इक्वल आएगा तो सोल्व करते है पहले क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेसन लिख लेते हैं ठीक है सम ऑफ फर्स्ट थ्री अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एस वन दिया था तो एस वन क्या बनेगा एन अपॉन टू टू इंटू फर्स्ट फर्स्ट टर्म क्या है देखो फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म हम लोग को क्या दिया हुआ था सॉरी वन ठीक है फर्स्ट टर्म वन एंड कॉमन डिफरेंस वन टू थ्री है ठीक है तो फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस वन था एन अपॉन टू टू इंटू वन होता है ना एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें एन के प्लेस में तो एन हो गया फर्स्ट टर्म वन था इसलिए इंटू टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन और डिफरेंस क्या है वन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा टू वन जा टू वन से मल्टीप्लाई के एन माइनस वन एन अपॉइन टू टू माइनस वन क्या आ जाएगा प्लस वन ठीक है एन और अंदर में क्या बन रहा है एन प्लस वन अपॉन टू ये एस वन हो गया अब एस टू सोल्व करते हैं एस टू में भी यहाँ पे वही फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे फर्स्ट टर्म तो तीनों के लिए एस वन एस टू एस थ्री तीनों के लिए वन है तो यहाँ पे टू इन टू वन प्लस एन माइनस वन डिफरेंस क्या दिया हुआ है टू तो d के प्लेस में टू लिखेंगे टू एन मल्टीप्लाई किए टू एन जा क्या रहा है एन अपॉइंटे एन गया टू ब्रैकेट में क्या आ रहा है टू एन तो ये टू और ये टू भी कैंसिल हो जाएगा एन 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 स्क्वायर हो गया एन एन क्या होता है एन स्क्वायर सेकेंड टर्म बन गया थर्ड टर्म क्या हो गया एस थ्री एन अपॉइंट टू फर्स्ट टर्म क्या है वन प्लस अब देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं एन माइनस वन डिफरेंस क्या है थ्री वन टू थ्री है ना तीनों का अलग अलग डिफरेंस है अब थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं थ्री इन एन थ्री एन हो गया माइनस थ्री वन जा थ्री अब इसको सॉल्व करते हैं टू वन जा टू थ्री एन माइनस थ्री टू माइनस थ्री क्या हो जाएगा माइनस वन एन अपॉन टू थ्री एन माइनस वन हो गया थर्ड टर्न अब देखो यहाँ पे क्या है दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है एस वन प्लस एस थ्री तो यहां ले लेते S1 S3. S1 S3 क्या हो जाएगा एस वन का वैल्यू पुट करते हैं ठीक है एस वन का वैल्यू क्या है एन एन प्लस वन अपॉइन टू लिख लिए एस थ्री है एन अपॉइन टू थ्री एन माइनस वन ठीक है दोनों का एल्शियम टू है अब इसको ऐड कर लेते हैं एन स्क्वायर देखो मल्टीप्लाई किया की एनएनएन स्क्वायर एन वन जा एन प्लस थ्री एन को मल्टीप्लाई किया थ्री एन स्क्वायर माइनस एन वन जा एन 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 कैंसल हो गया ठीक है थ्री थी प्लस वन फोर एन स्क्वायर अपॉन टू 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 जा फोर टू एन स्क्वायर और एन स्क्वायर किसके इक्वल है एन स्क्वायर एस टू के इक्वल है टू इन एस टू ठीक है क्या रहा है टू इन एस टू एन स्क्वायर किसका वैल्यू है एन स्क्वायर जो है वो एस टू का वैल्यू इसीलिए एन स्क्वायर के प्लेस में एस टू लिखे और यहाँ ऑलरेडी टू है तो टू एस टू किसकेक्वल है राइट हैंड साइड के और हम लोग को यही प्रूफ करना था प्रूफ हो गया अब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कंप्लीट अब क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखते हैं इफ द सम ऑफ एन टू एन थ्री एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर एस एन एस टू एस थ्री रिस्पेक्टिवली Then prove that S3 is equal to 3 S1. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम ऑफ एन टू एन एन थ्री एन टर्म इस टर्म का अर्थमेटिक प्रोग्रेसन क्या है एन का क्या है एस वन टू एन क्या है एस टू एन थ्री एन इज एस थ्री ठीक है अब हम लोग प्रूफ क्या करें कि एस थ्री जो है वो थ्री इंटू एस टू माइनस एस वन के इक्वल है तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है तो अब इसको हम लोग अपने से लेकर के सॉल्व करेंगे ठीक है ठीक फर्स्ट टर्म ए ले ले रहे हैं एंड कॉमन डिफरेंस डी सम ऑफ एंड टर्म फर्स्ट टर्म क्या था एंड टर्म था ना फर्स्ट क्या है एंड टर्म है देन टू एंड देन थ्री एंड तो अभी एंड टर्म लेके सॉल्व करते हैं ठीक है एन टर्म यानी कि इसका मतलब क्या है कि एन का वैल्यू क्या है एन है तो अब एन के प्लेस में एस वन क्या है एन अब देखो एन के प्लेस में एन ही लिखेंगे टू ए एन माइनस वन डी ये फर्स्ट इक्वेशन है नेक्स्ट क्या है एन के एन इज इक्वल टू टू एन तो अब एन के प्लेस में टू एन टू एन लिए ये क्या बन गया इक्वेशन टू एस थ्री अब एस थ्री क्या था एस थ्री थ्री एन है तो एन के प्लेस में अब हम लोग थ्री एन लेंगे एन के प्लस एंड थ्री एंड ये इक्वेशन थर्ड बन गया अब हम लोग को यहाँ पे एस थ्री एंड ये दिया है तो अभी हम लोग क्या लेंगे कौन सा साइड लेंगे राइट हैंड साइड अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करके एस थ्री के इक्वल लाएंगे ठीक है थ्री इज इन टू एस टू माइनस एस वन थ्री एस टू का वैल्यू क्या है टू एन अपॉन टू टू ए प्लस टू एन माइनस वन डी ठीक है माइनस नेक्स्ट किया एस वन एस वन का यहाँ पे वैल्यू पुट किया अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे क्या लिखे दोनों में क्या है टू कॉमन है वन बाई टू कॉमन है तो वन देखो एन एन बाई टू एन बाई टू कॉमन है तो कॉमन को हम लोग कॉमन को बाहर ले लिए ब्रैकेट के बाहर तो so, क्या हो गया थ्री एन अपॉन टू ठीक है कॉमन लिए तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या है टू अब टू को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं टू टू ज फोर है फिर नेक्स्ट में टू इन टू टू एन माइनस वन डी ठीक है माइनस है माइनस लिखे अब देखो इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं टू ए है टू ए प्लस माइनस माइनस एन माइनस वन डी ठीक है अब जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं फोर ए माइनस टू ए क्या हो जाएगा टू ए प्लस टू टू जा फोर एन ठीक है अब इसको टू स... ए अब यहां पे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं टू टू जोर एन माइनस टू वन जा को माइनस कर चुके हैं माइनस है माइनस एन माइनस माइनस प्लस वन डी ए इन दोनों में डिफरेंस डी था इसलिए कॉमन ले लिए अब सॉल्व करते हैं टू ए फोर एन माइनस एन क्या हो गया थ्री एन माइनस टू प्लस वन प्लस माइनस माइनस होता है टू so में वन माइनस के तो माइनस वन और ये किसके इक्वल है थ्री एन अंट टू थ्री एन टू टू ए प्लस टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन थ्री एन माइनस वन डी डी किसके इक्वल है इक्वेशन थ्री एस थ्री के इक्वल एस थ्री का इक्वल आ रहा है और ये किसके इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा इक्वेशन प्रूव हो रहा है ठीक है अब देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अ मैन्युफेक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस सिक्स हंड्रेड सेट इन द थर्ड ईयर ठीक है थर्ड ईयर में वो सिक्स हंड्रेड सेट ऑफ टी वी प्रोड्यूस किया बनाया सेवन हंड्रेड सेट इन द सेवेंथ ईयर सेवेंथ ईयर में सेवन हंड्रेड टी वी सेट बनाया अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज इनफॉर्मली यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्सड नंबर एवरी ईयर फाइंड अब हम लोग को इसमें अज्यूम करना है कि वो कितना इंक्रीज कर रहा है पहले तो ये फाइंड करना है ठीक है कि वो कितना इंक्रीज कर रहा है तो वो कैसे फाइंड करेंगे फर्स्ट क्या है लेट फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इज देखो फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन हम लोग को मालूम नहीं है तो फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन क्या ले लेते हैं फॉर्मूला क्या है ए ए एन एन इज इक्वल टू प्लस माइनस डी तो अब इस को लिख लिए ये क्या हो गया फर्स्ट ईयर अब इसमें थर्ड ईयर का बताया है तो ए एन ठीक है तो एन के प्लेस में क्या ले लेंगे थ्री थर्ड ईयर का फाइंड करने के लिए ए प्लस एन के प्लेस में क्या होगा थ्री माइनस वन डी

ड्रेड इज इक्वल टू ए प्लस सिक्स डी ये क्या हो गया इक्वेशन टू अब क्या करेंगे जैसे लास्ट हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व भी किए हैं जब हम लोग टू इक्वेशन फाइंड होता है और उसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड एंड कॉमन डिफरेंस जब हमारे पास नहीं है तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं इक्वेशन वन एंड टू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या फाइंड होता है क्या फाइंड करते, है? तो करते हैं कॉमन डिफरेंस तो अब वन एंड टू को सब्ट्रैक्ट करते हैं ए प्लस टू डी इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड इक्वेशन वन था ठीक है अब इक्वेशन टू क्या है ए प्लस सिक्स डी इज इक्ल टू सेवन हंड्रेड माइनस करते हैं ए ए कैंसल हो गया प्लस माइनस माइनस सिक्स माइनस टू क्या हो गया माइनस फोर डी सेवन हंड्रेड में सिक्स हंड्रेड सब किए माइनस हंड्रेड माइनस माइनस कैंसिल हो गया अ दे अब इसमें डी इज इक्ल टू हंड्रेड फोर को ट्रांसफर किए डिवाइड में किया फोर टू जा टेन फोर फाइव जा ट्वेंटी तो डी का वैल्यू क्या आ गया ट्वेंटी फाइव डी फाइंड करते हैं अब हम लोग को देखो मालूम है जैसे हम लोग एक्सरसाइज टू में भी सॉल्व किए हैं थ्री में भी इसमें क्या करते हैं जब डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं तो इक्वेशन वन या इक्वेशन टू में डी की वैल्यू पुट करके हम लोग फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं तो अब डी की वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट करते हैं इक्वेशन वन क्या है सिक्स हंड्रेड इज इक्वल टू ए प्लस टू डी ठीक है अब डी के प्लेस में ट्वेंटी फाइव लिखेंगे

अब यहाँ क्या लिखा है मैन्युफैक्चर टीवी सिक्स हंड्रेड इन द थर्ड ईयर एंड सेवन हंड्रेड द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर मतलब एवरी ईयर क्या है वो नंबर से इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्शन इन नाइन्थ ईयर नाइन्थ ईयर में कितना होगा प्रोडक्ट प्रोडक्शन ए नाइन ले लेते ले ले हैं ए प्लस एट डी ये किससे हुआ ये फॉर्मूला है ना ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी तो अभी एन के प्लेस में नाइन ईयर है तो एक एन, एन के प्लेस में नाइन लेंगे ठीक है तो यहाँ पे नाइन लेके सॉल्व कर लेते हैं ए नाइन फर्स्ट टर्म क्या है फाइव हंड्रेड फिफ्टी एट इन डी डी का वैल्यू क्या आया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव लिया ट्वेंटी क्या होता 200. के है टू हंड्रेड एड किया हंड्रेड फिफ्टी तो नाइन्थ ईयर में वो कितने टीवी प्रोड्यूस किया सेवन हंड्रेड फिफ्टी टीवी तो फर्स्ट सेवन टर्म में क्या होगा अब हम लोग इसमें फाइंड क्या करना था फर्स्ट सेवन टर्म फाइंड करना है ना तो फर्स्ट सेवन टर्म सम ऑफ़ फर्स्ट टर्म फर्स्ट सेवन टर्म तो सम ऑफ़ फर्स्ट सेवन टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी एन क्या है सेवन है सेवन लिए ए क्या आ गया हमारा फाइव हंड्रेड फिफ्टी ठीक है ये आया ना ए फाइव हंड्रेड फिफ्टी ठीक है नेक्स्ट क्या है प्लस एन का वैल्यू क्या है सेवन सेवन माइनस वन डी क्या है ट्वेंटी आ गया हाँ डी क्या ट्वेंटी अब सॉल्व कर लेते हैं टू जीरो है, है? पे डायरेक्ट लिखी हूँ मैं ये क्या हो जाएगा सेवन अपॉन टू इलेवन हंड्रेड प्लस सिक्स फाइव जा थर्टी जीरो थ्री आ गया कैरी सिक्स टू जा 12. 12 plus 3, 15. 25, 6 जा क्या होता है 150. अब ऐड कर लेते हैं जीरो प्लस जीरो सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इंटू सेवन सेवन से मल्टीप्लाई से करेंगे तो एंसर क्या आएगा फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव तो ये हो गया सम ऑफ ईयर का आंसर. बस इसी टाइप से सॉल्व करना है टू हम लोग को दिया हुआ था थ्री एंड सेवन तो फर्स्ट में हम लोग ए थ्री मतलब थ्री ईयर का हम लोग इक्वेशन सॉल्व किए देन सेवन ईयर का इक्वेशन बनाए ठीक है फिर इन दोनों इक्वेशन को सेप्रैक्ट किए तो हम लोग क्या फाइंड किए कॉमन डिफरेंस फिर डिफरेंस के इस वैल्यू को इक्वेशन वन में वैल्यू पुट किए वैल्यू पुट किए इक्वेशन वन में तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या आया फाइव हंड्रेड फिफ्टी तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट टर्म टर्मी फर्स्ट ईयर इन क्या ये हम लोग सिर्फ सॉल्व करके बताएं इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है ए का हम लोग वैल्यू फाइंड किए थे तो नाइन ईयर में क्या होगा ये लिखे ठीक है थीके? हम लोग को फाइंड क्या करना है फर्स्ट सेवन टर्म तो अब इसमें हम लोग एन भी फाइंड कर लिए डी भी फाइंड कर लिए तो अब सेवन ईयर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ सेवन ईयर तो यहाँ पे ए एंड डी का वैल्यू पुट किए सॉल्व किए तो क्या रहा है फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव इसी टाइप इसको सॉल्व करना है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन अच्छा देखो ये मैंने देखी थी क्वेश्चन द नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूज इन द फर्स्ट ईयर इसीलिए हम लोग फर्स्ट ईयर का सॉल्व किए ठीक है यहाँ पे देखें फर्स्ट ईयर क्या था फर्स्ट ईयर का हम लोग फाइंड किए क्या आया फाइव हंड्रेड फिफ्टी नेक्स्ट में क्या बोला है द नंबर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड इन द नाइन्थ ईयर इसीलिए हम लोग यहाँ पे फाइंड किए वही मैं सोचती हूँ नाइन्थ ईयर क्यों फाइंड किए तो प्रोडक्शन इन नाइन्थ ईयर नाइन्थ ईयर में कितना किया सेवन हंड्रेड फिफ्टी टीवी नेक्स्ट क्या है द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट सेवन ईयर टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट सेवन ईयर बोला था इसीलिए हम लोग टोटल प्रोडक्शन फाइंड किया सेवन ईयर का तो क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्सटीन कंप्लीट हो गया है वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है इसलिए यहाँ पे स्टॉप करी हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एटीन नाइनटी एंड ट्वेंटी कंप्लीट करेंगे आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू